ओम शांति आज दस फरवरी दो हजार तेईस है और आज की साकार मुरली में बाबा ने हमें वरदान में एक बहुत सिंपल फॉर्मूला दिया है हम सभी ने नोट अवश्य किया होगा क्योंकि मंजिल हम सबकी एक है और उस मंजिल के हम सभी राही हैं। तो उस मंजिल तक जो कहलाती है संपूर्णता संपन्नता उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बाबा ने आज बताया एक ही बाप और एक ही बाप की याद तो एक ही बाप और एक ही बाप की याद को ही अपना संसार बनाने के लिए हमें क्या करना है जो हम उस संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच पाए आइए जानते हैं इसी विषय पर बाबा के अव्यक्त इशारे संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की अपने आप से प्रतिज्ञा करो प्रयत्न नहीं प्रयत्न का समय गया अप्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करानी है साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे बाबा ने हमें हमेशा बताया है संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण समर्पण यह संपूर्णता की प्रतिज्ञा हमें करनी है इस संपूर्ण समर्पण का अर्थ है जब कुछ भी मेरा नहीं तो सब कुछ मेरा है अगर किसी एक चीज को मैं कहती हूँ मेरा इसका अर्थ है बाकी सब कुछ पराया है तो जब कुछ भी मेरा नहीं तो सब कुछ मेरा है और कुछ भी पराया नहीं इसलिए इस मेरे और किसी और के तेरे इस भान को ही खत्म करने के लिए बाबा ने कहा है सब कुछ हम बाबा को दे दे तो बाबा का सब कुछ हमारा यही है संपूर्णता की मंजिल को पाना तो संपूर्णता की मंजिल को पाने के लिए पहले संपूर्ण समर्पण की सीढ़ी हमें चढ़नी है और यही संपूर्णता प्रत्यक्षता कराएगी क्योंकि अभी इस समय पर सभी कहीं ना कहीं श्रेष्ठता के लक्ष्य को दुनिया के हिसाब से पाए हुए हैं कोई पोजीशन में श्रेष्ठ होगा हमसे कोई किसी गुण में श्रेष्ठ होगा हमसे कोई किसी कला में श्रेष्ठ होगा हमसे ऐसे तो दुनिया में हैं लेकिन जो सर्वगुण संपन्न हो जो सोलह कला संपूर्ण हो संपूर्ण मर्यादाओं में पुरुषोत्तम हो संपूर्ण निर्विकारी हो ये सारी डिग्री एक साथ अगर किसी के अंदर हो सकती है तो वो हम बच्चे ही बन सकते हैं इसलिए जब तक ये संपूर्ण लक्ष्य को नहीं पाएंगे तब तक हम श्रेष्ठ भी नहीं कहलाएंगे क्योंकि कोई ना कोई क्षेत्र में कोई ना कोई है श्रेष्ठ इसलिए बाबा ने कहा है कि ये प्रत्यक्षता ये साक्षात्कार हम तभी करा पाएंगे जब संपूर्णता के लक्ष्य को हम पाएंगे तो हम सभी आज ये श्रेष्ठ प्रतिज्ञा करें कि ऐसा बनने के लिए हमें संपूर्ण स्वाहा होना है और संपूर्णता के इस लक्ष्य को प्राप्त करके बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा अपने साक्षात्कार मूर्त से फहराना है ओम शांति